कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हों और हर नया दिन आपके लिए हजारों खुशियाँ लेके आए। तो आज मेरी बेटी ने केक बनाना है, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी उसकी वीडियो। तो प्लीज़ उसको कमेंट करके आपने उसको कॉन्फिडेंस उसका बढ़ाना है ताकि वो नेक्स्ट टाइम और भी बनाए। वो शर्माती है काफ़ी वीडियो कैमरे के आगे आने से, तो केक वगैरह बना लेती है बट आज टॉपिंग के साथ फर्स्ट टाइम बनाएगी। आई होप आपको पसंद आएगा। ये जी तीन अंडे हैं, चीनी है और ऑरेंज का जो ऊपर वाला छिलका था उसको मैंने कद्दूकस करके ले लिया, थोड़ा सा 1 टीस्पून चाहिए हमें। और ये उसका मैंने जूस भी ले लिया ऑरेंज का। नमक है जी हमारे पास, ये मैदा और ऑयल है जी। तो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो चीनी, आटा, मैदा जितना जितना डालेंगे साथ साथ बता देंगे। ये जी हमने 12 टेबलस्पून लिया चीनी। ये इसमें 12 टेबलस्पून ऑयल का डाला जी। अब इसमें जो हमने ऑरेंज का ये लिया है छिलका भी और जूस भी, ये ऐड कर देंगे। फिर इसको दोबारा अच्छे से बीट कर लेंगे। तो बस इसका यही है कि जब अंडा और चीनी अच्छे से हो जाए तो फिर उसमें ऑयल डालिए। ऑयल डाल के फिर ये जो हमने फ्लेवर डालना है ऑरेंज का ये डालेंगे जी। अच्छे से बीट कर लेंगे तो फिर बाद में जो बेकिंग पाउडर और मैदा उसको हाथ की मदद से करेंगे। ये जी हमारा रेडी हो चुका है मेज़ा। अब इसमें हमने डालना है मैदा और ये भी हमने 12 चम्मच ही लेना है। जितना हमने चीनी ऑयल लिया उतना ही मैदा लेना है। तो डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, बीट नहीं करेंगे। जी हमने क्रीम ली है जो डेकोरेट केक वाली होती है, तो इसमें बस शुगर थोड़ी थोड़ी सी ऐड करके आप टेस्ट कर लीजिएगा। जितना आपको मीठा पसंद हो उतना ऐड कीजिएगा, मतलब इसका ये नहीं कि मैं जितना बोल दूँ आप डाल दें। तो बस हमने भी थोड़ी सी डाली है, टेस्ट कर लिया, जहाँ पर हमें मीठा ठीक लगा हमने छोड़ दिया। तो अब इसके केक के ऊपर लगाते हैं। तो ये जी हमारा रेडी हो चुका है। और सॉरी आपको जो ऊपर से हमने इसको सजावट किया वो इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि मेरी बेटी ने की है, तो वो फर्स्ट टाइम आज की है उसने, तो इसलिए कह रही थी मम्मा पता नहीं कैसा बना है कैसा नहीं, तो आप ना दिखाएं। बट केक जो आपको रेसिपी बताई एज इट बड़ा ज़बरदस्त ऑरेंज केक बनेगा आपका। और जो हमने इसके ऊपर ये जो टॉपिंग की है जो मैंने आपको इसका मेथड बताया वो भी बिल्कुल ठीक है जी। आप शुगर साथ साथ ऐड करें, उसको क्रीम को बीट कर लें तो बड़ा अच्छा बन जाता है। तो और मुझे बताइएगा कि बेटी का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, उसको बड़ा शौक़ है केक को सजाने बनाने का, तो कहती है जी आज मैंने बनाना है। तो कैसा लगा आप सबको अब बताइएगा। तो इसको फ्रिज में रखती हूँ, 1 घंटा ठंडा होता तो फिर इसको काटते हैं। ये जी हमारा केक रेडी हो गया है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है। तो जो थोड़ा सा अगर टॉपिंग में आपको कमी लगी है या जहाँ से भी जो लगे तो प्लीज़ हमें बताइएगा। बट फिर भी मैं यही कहूँगी मेरी बेटी को अप्रिशिएट कीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम अच्छा काम और कर सके। अभी छोटी है, आस्ता आस्ता सीख जाएगी जी। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अपनी दुआ में याद रखिएगा और मेरी बेटी को कमेंट करके ज़रूर आपने बताना उसने कैसा काम किया है। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह, हाफिज़।